अध्यक्ष मंत्री और कार्यकारिणी का, उसमें मलाह ही मतलब होता था हम लोग का। ये आदमी 15/3/2022 को बैठक करते हैं, कहते कि नहीं निर्वाचित मंत्री को हटाकर समिति में प्रबंधक पदेन प्रबंधक की नियुक्ति की जाए। अब ये रहा कि हमारा जो मंत्री जो अवैतनिक होता है, हमारा जो मंत्री अध्यक्ष होते हैं अवैतनिक, इनका मनसा था कि सब हो जाएगा, डायरेक्ट हमसे डीलिंग हो जाएगा। अब डायरेक्टर को बना रहे थे नियम के अनुसार के विरोध की जाए, रजिस्ट्रार का अधिकार दे दीजिए, मतलब घुमा फिरा कर मंत्री रहे, सरकार को अध्ययन कर दिया, मतलब मलाह को शोषण करने का इन्होंने सुनियोजित साजिश रची थी। पहले तो टिकट पर मलाह के शोषण करवे थे, मलाह लोग पूरा तन मन धन से मदद किया, गांधी मैदान में मारपीट करा, जेल गया, रात में हम ही जेल में चले, मुख्यमंत्री जी से कह के लोग को छुड़वाने वाले हैं। लेकिन टिकट के नाम आया तो रामचंद्र बाबू को किस परिस्थिति में टिकट दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी जो MLA जो भाग है, कैसे टिकट लिए इसकी भी जांच कराइए। इनका विभागीय में अब जिसे था 90% का हमको जानकारी है, सब्सिडी हम लोग का, वो टोटल बंद कर दिया। और एक एजेंसी उन्होंने पूर्णिया के तरफ तक तय कर दिया, एक एजेंसी होता ही ना कि आप जैसे DFO है तो आप पटना से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, ये एजेंसी अपने अडॉप्ट की, क्या वो एजेंसी के माध्यम से डायरेक्ट डिलीवरी आदमी करके वो ये कर रहा है। यानी मोटा मोटी बात ये है कि वो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया और आपके आपका सेशन कर रहा है। जी तो मुजफ्फरपुर के सभा में थे हम, एक सभा तो कहते थे कि मैं फिल्म बनाता हूँ तो पता चलता है कि इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो भाषण बोले थे। कभी वो मछुआ के हित में बारे में कभी नहीं सोचा, वो अपना खाली वो अपना बिजनेस बनाए हुए थे, विभाग में भी प्रेशर पदाधिकारी को डाले हुए थे कि ये करो इतना परसेंटेज हमको दो, हम जो है सो जितने भी स्कीम चल रहा था उसमें जो है उसका परसेंटेज मांगते थे पदाधिकारी पर। और ऐसा 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 एक एक जिला देख लीजिए, 38 जिला है, एक DFO को 3-3 जिला का प्रभार दिए हुआ है, पैसा लेके प्रभार देता था। एक संपूर्ण है वो शिवहर का भी है, आपको सीतामढ़ी का भी है, और उसके बाद जो व्यक्ति बिजनेस से ट्रैप किया हुआ था उस आदमी को अपने यहाँ डिप्टेशन में सतीश कुमार को रखे हुआ है। अब ये क्या कर सकते हैं, जैसे मंत्री को आप क्या कर सकते हैं, जो आदमी बिजनेस से ट्रैप है उस आदमी को वो जो है सो अपने यहाँ डिप्टेशन में रखे हुआ है, अपने पूरे विभाग का जो है सो शोषण करवा रहा है। हम तो देख रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे थे कि भाई चलो भाई कुछ समाज का काम का हित करो, लेकिन समाज का हित का काम नहीं किया उन्होंने, जो है सो डायरेक्टर से उल्टे पूरे बिहार में पटल खुलवा दिया, पूरे बिहार में जो है ऑनलाइन सदस्यता बढ़ाने का काम शुरू करवा दिया, जिससे हम लोग को आक्रोश है कि हम लोग का रोजी रोटी आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही रोजी रोटी हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। मलाह एक तो शिक्षित कितना है, कितना परसेंट मलाह के कंप्यूटर है, कहाँ से वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा सो बता दीजिए हम लोग, एक भी मलाह के पास कंप्यूटर है, बहुत 100% उन्होंने ठगने का काम किया, वो तो अपना बिजनेस बनाया हुआ था, टिकट लेना है टिकट बेचना है, आज कहिए तो उसके एक भी कमेटी है क्या, उसका एक सिंगल चेहरा पहुंचता कोई उसके लीडर का, जो विधायक बन के आए वो कहते हैं कि मैं अपने बलबूता में अपने समाज के, इस समाज को तुम क्या दिए भाई, ये तो बताओ समाज को दिए क्या आप, समाज तो तुमको बहुत कुछ दिया, तुमको इतना ऊंचा नेता बना दिया, लेकिन समाज को तो तुम दिए नहीं कुछ, अब समाज से कह रहे हो कि 15% सब पदाधिकारी को कि असूल के हमको तो यस कमीशन में एजेंट बना के रखे हुए आदमी को, जितना आदमी जाता है बात करता है, हम लोग तो आज तक उसके दरवाजा पर कभी गया नहीं।